नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। दोस्तों अभिषेक बच्चन और ऐश्वर्या राय बच्चन बच्चन परिवार के बारे में पिछले कुछ महीनों से लगातार ये खबरें चल रही है सोशल मीडिया पे कि अभिषेक बच्चन और ऐश्वर्या राय बच्चन तलाक लेने वाले हैं। कई भाई लोगों ने फिर डिक्लेयर कर दिया कि उनका तलाक हो चुका है, मतलब पूरी तरह से खुद ने डिक्लेयर भी कर दिया इन्होंने। लेकिन दोस्तों ये सब जो अफवाह है वो सारी अफवाह ही निकली है और ये अच्छी बात है। दोस्तों मैंने बार बार आपको कई बार आपको जानकारी दी है कि अभी ऐश्वर्या राय बच्चन के स्कूल में जो प्रोग्राम हुआ था धीरूभाई अंबानी इंटरनेशनल स्कूल में, वहां पर भी पूरा बच्चन परिवार एक साथ दिखाई दिया था। अभिषेक और ऐश्वर्या भी साथ दिखाई दी थी और इसके अलावा जो आराध्य कंपनी सेलिब्रेट किया गया तो वहां पर भी ये सब साथ नजर आए थे। तो बार बार इन्होंने इन अफवाहों पर विराम लगा दिया है। दोस्तों अभी हाल ही में फिर से एक ऐसी खबर मैं आपको बताने वाला हूँ जिससे अगर आप बच्चन परिवार के प्रशंसक हैं, अगर आप अभिषेक बच्चन के प्रशंसक हैं, अभिषेक ऐश्वर्या की जोड़ी को पसंद करते हैं तो आपकी आपको डेफिनेटली इस न्यूज को सुनकर के अच्छा लगेगा। दरअसल दोस्तों अभी सैटरडे की बात है, शायद ये सैटरडे नाइट को मैच हुआ था जयपुर पिंक पैंथर्स जो कि अभिषेक बच्चन की कबड्डी की टीम है, जिसके वो मालिक है, जिसके वो स्पॉन्सर है, और वहाँ पे उनका एक मैच था यू मुंबा के साथ था शायद। तो वहाँ पे सभी को अभिषेक बच्चन, अमित जी और ऐश्वर्या राय बच्चन और आराध्य बच्चन सभी को वहाँ पे देखा गया चीयर्स करते हुए, चीयर लीडर्स आप बोल सकते हैं। जैसे जैसे उनकी टीम स्कोर बना रही थी उनकी खुशी चेहरे पर देखते ही बनती थी। एक वीडियो वायरल हो रहा है सोशल मीडिया पे जिसमें अमित जी, अभिषेक बच्चन, ऐश्वर्या राय बच्चन तथा आराध्य बच्चन सब एक साथ नजर आ रहे हैं और खुशी मनाते हुए नजर आ रहे हैं। जब भी उनकी टीम अच्छा करती है, पॉइंट बनाती है तो खुशी से झूमते नाचते हुए दिखाई दे रहे हैं, हर्षोल्लास से मतलब मैच का आनंद लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो इन खबरों से एक बार फिर से उन अफवाहों पर निश्चित रूप से ब्रेक लग जाता है जिसमें अभिषेक बच्चन तथा ऐश्वर्या राय बच्चन के बीच कुछ मतभेद की खबरें, तलाक की खबरें लगातार दी जा रही थी। तो ये दोनों बिल्कुल खुश है, बच्चन परिवार में सब कुछ ठीक ठाक है और सभी प्रशंसकों ने कहा है कि ये खबर देखने के बाद में जो एटर्स है उनकी वाट लग गई होगी, उनके तो हौसी उड़ गए होंगे, उनकी जमीन खिसक गई होगी, ऐसे कमेंट्स भी आ रहे। हालांकि एक दो कमेंट एक दो जो यूजर्स उन्होंने ये भी लिखा है कि इसमें जया बच्चन जी नजर नहीं आ रही है। चलो ये तो कुछ ना कुछ निकालते रहते हैं जिनको कमियां निकालनी है उसमें, तो फिर बोलेंगे श्वेता बच्चन नजर नहीं आ रही होगी। लेकिन दोस्तों ये चारों काफी खुश नजर एक साथ नजर आए थे। इतना नहीं दोस्तों, यहाँ पे सबका ध्यान खींचा आराध्य बच्चन ने क्योंकि वो एक नए हेयर स्टाइल के साथ नजर आई तो काफी अलग उनका लुक यहाँ पे नजर आ रहा है। देखिएगा आप भी, कुछ तस्वीरें तो मैं आपके लिए लेके आई हूँ। वीडियो अगर आप देखना चाहें तो आप सोशल मीडिया पर देख सकते हैं, वीडियो काफी मजा आपको आएगा जरूर। और मैच अभिषेक बच्चन की टीम ने जीता है तो काफी खुश हुए नजर आ रहे थे। तो अब बाकी कुछ आप में यहाँ पे अपना कॉपीराइट वगैरह इशू होता है तो मैं वीडियो तो आपके लिए नहीं ला सकता, लेकिन आप इसको देख सकते हैं सोशल मीडिया पे। धन्यवाद, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय श्री राम जी।